हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे आईएएस ऑडिट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट प्रोसेस, और हम ऑडिट चार्टर में आ गए थे। और ऑडिट चार्टर के बारे में हमने पढ़ा था। ऑडिट चार्टर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अथॉरिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, और हमने ये बोला था स्किल्स और कॉम्पिटेंस बताना ऑडिट चार्टर में बहुत ज़रूरी है, और इंडिपेंडेंस होना ऑडिट चार्टर में बहुत ज़रूरी है। अब एक थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं ऑडिट चार्टर क्यों आया, ऑडिट चार्टर क्यों ज़रूरी है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल कंडीशंस में क्या होता है कि अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कमेटी होनी बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ऑडिट चार्टर भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑडिटर का इंगेजमेंट लेटर भी होना बहुत ज़रूरी है, और इंगेजमेंट लेटर में भी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ये आखिर इतनी सारी चीज़ें ज़रूरत क्यों हैं? इसलिए ज़रूरत है कि ऑडिटर की इंडिपेंडेंस मेंटेन करी रखी जाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑडिट कमेटी है तो उसका एक पर्टिकुलर रोल डिफाइन होगा, उसकी एक इंडिपेंडेंस होगी, और अगर उसके पास ऑडिट चार्टर है तो वो ऑडिट चार्टर ये बता रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें आईएएस ऑडिटर को क्या करना है, किसके क्या राइट्स हैं, ऑडिटर के मिनिमम स्किल्स और कॉम्पिटेंस क्या होने पड़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट को कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, मैनिपुलेशन कम हो पाएगा। अगर मान लिया सपोज कल की डेट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जिसने भी ऑडिट कमेटी को अपॉइंट किया है, अगर वो कुछ कहने लगेंगे तो ऑडिट कमेटी कह सकती है सर आप हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए कह रहे हो, लेकिन आपने जो हमारे ऑडिट चार्टर में लिखा है वो तो ये लिखा हुआ है, हम तो ऑडिट चार्टर की तरह चलेंगे, या इस ऑडिट चार्टर को आप चेंज कर लो। तो कहने का मतलब यह है इवन टॉप लेवल से अगर कोई चीज़ चेंज करने की कोशिश की जाएगी तो ऑडिट कमेटी स्टेप फुट डाउन कर सकती है। जैसे सत्यम वगैरह हुआ, कई कंपनी कई जगह हुई, तो वहाँ पर क्या था कि अगर एक इफेक्टिव इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होती तो सत्यम नहीं हो सकता था, सत्यम में फ्रॉड हुआ वो नहीं हो सकता था। लेकिन चूंकि वहाँ इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी की नहीं थी, इंडिपेंडेंट एक ऑडिट कमेटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद उसकी इंडिपेंडेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑडिट कमेटी की इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं हो रही है तो फ्रॉड हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, आपने एक ऑडिट कमेटी मेंटेन की और ऑडिटर उसे रिपोर्ट कर रहा है, अब ऑडिट कमेटी में 4-5 जने हैं और वो एक पर्टिकुलर जने रिज़ाइन कर देता है, वो कहता है जी ये काम जो है इथिकली नहीं हो रहा, मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं दूसरी कंपनी जाता हूँ। तो ऑडिट कमेटी क्या हेल्प कर रही है, ऑडिट कमेटी ये हेल्प कर रही है ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड ना हो, ऑर्गेनाइजेशन में आईएएस ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरमेंट ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन में स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंडिपेंडेंट हो। छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जब भी कभी कॉस्ट कटिंग वगैरह की बात आएगी वो कहेगी ऑडिट कमेटी करके आ रही है, इस ऑडिट कमेटी में कॉस्ट कटिंग करो। पहले उनका अटैक ऑडिट कमेटी पर होगा, उन वेस्टेड इंटरेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन के। तो आपको इन सब चीज़ों को देखना है, ऑर्गेनाइजेशन में इन सारी चीज़ों को देखना है। तो हमने ऑडिट चार्टर में ये जाना था कि ऑडिट चार्टर होता है, ऑडिट चार्टर टॉप लेवल डॉक्यूमेंट होता है, यानी कि अगर ऑडिट चार्टर नहीं ऑर्गेनाइजेशन में या सही तरीके से नहीं बनाया तो उसका मतलब एक सिंपल सा चीज़ है, उसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी डाउन है, मैनेजमेंट उतना सही नहीं है। अगर रिस्क असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मैनेजमेंट की क्वालिटी डाउन है। आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे मैनेजमेंट पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाए जाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आप जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जब छोटी कंपनी होती है तो क्या होता है कि ऑडिटर जो है एक रीजनेबल इश्योरेंस देता है और वो चाहता है मैनेजमेंट से कन्फ्रंटेशन ना ले, नेगेटिव है, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशंस में कई बार ये देखा गया है ऐसा होता है। तो वहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी है और ऑडिट चार्टर है तो ऑडिटर को भी पावर मिल जाएगी। अब ऑडिटर क्या है, उसको अपने एंगेजमेंट लेटर बनाना चाहिए और एंगेजमेंट लेटर में ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। तो अगर ऑडिटर के पास जाओगे, ऑडिटर अगर मान लिया सपोज किसी अकाउंटेंट के पास जाएगा और अकाउंटेंट कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, वो कहेगा जी मैं आपको डेटा नहीं दे रहा, डेटा बाद में दे रहा, तो वो कह सकता है कि भैया मेरे स्कोप को लिमिट कर रहे हो आप कह सकते हो आपके टॉप मैनेजमेंट ने ये रीइंफोर्स किया है। आप ये कह सकते हो एज एन ऑडिटर, भाई आपके ऑडिट चार्टर में ये लिखा हुआ है, आप इसको लिमिट कर रहे हो, आपने ऑडिट चार्टर पढ़ा नहीं, अकाउंटेंट से कह सकता है, या ऑडिट कमेटी के ये डायरेक्टिव्स हैं आपने पढ़े नहीं, या ऑडिट कमेटी के पास कंप्लेन कर सकता है।
या अकाउंटेंट से कहा जाता है कि जो मेरे को इंगेजमेंट लेटर दिया है उसमें सिग्नेचर्स हैं आपके टॉप बेस के सिग्नेचर्स हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स या सीईओ के सिग्नेचर्स हैं, आप हमें सीईओ की बात नहीं मानते, या आप कह सकते हैं कि इससे मेरा स्कोप लिमिट हो सकता है, या आप मेरी अथॉरिटी को नहीं मान रहे हैं। आप ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए वो कहेगा कि आप ये कह सकते हैं कोई डेटा देने में देरी कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं भाई आप तो डेटा देने में कैरी कर सकते हो, कर रहे हो, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी के ये टेनेंट वॉयलेट हो रहे हैं, और कल की डेट में मुझसे कुछ कहा जाएगा तो मुझे कोई मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आप कहने के बजाय उसे मेल कर सकते हो कि हाय फला फला, क्या कहते हैं, एस मेरे को मेरा एंगेजमेंट लेटर के एक्सट्रैक्ट ये हैं, इनके अनुसार मेरे को इनके मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अथॉरिटी बनती है और अकाउंटेबिलिटी बनती है, आप जो डिले कर रहे हो मेरे को इन्फॉर्मेशन देने में उससे ये चीज़ें को निर्वाहन करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि आप इसको दोगे जल्दी। आप उसके पास जाओगे तो वो कहेगा कि ये क्या किया आपने, मेल क्यों किया? आप कहोगे सर मेरे को भी तो अपने आप को बचाना है, आप तो टाइम लगा रहे हो, कल की डेट में मुझ पर क्वेश्चन आए तो मैं तो ये कहूँगा कि सर मेरे पास डेटा लेट में आया। अभी इस तरीके से कह सकते हो, और जब आप इस तरीके से कहोगे तो अगला वेस्टेड इंटरेस्ट अकाउंटेंट हिल जाएगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सा बात यह है कि प्रॉफिट मेकिंग डायरेक्टिव चलता है, उसमें कई तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं इथिकल और वो एक रीजनेबल प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, वो कम लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं इथिकल बट ग्रीडी, वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और कुछ लोग होते हैं अनइथिकल, मौका मिलते हैं इथिकैलिटी में आ जाते हैं। तो जो अनएथिकलिटी में आ जाते हैं वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो एक्सेस ग्रीड करते हैं वो भी एक रीजनेबल लेवल पर वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो वो अपने प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं, और उसके लिए आपका ऑडिट स्ट्रॉन्ग ऑडिटर होना उनके लिए सही नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है आपका और वेस्टेड इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के वेस्टेड इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे हटाया जाए, और उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाने के लिए एक सबसे सही तरीका ये है कि ऑडिट कमेटी हो, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी हो, और उसका एक ऑडिट चार्टर बनाओ, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी हो। हमने पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर ली, और हमने ये जाना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी एक ही तरह की चीज़ हैं, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं, उसको ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर इवॉल्व किया गया है। और आप जब भी ऑडिट चार्टर होगा उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्किल्स और कॉम्पिटेंस भी होनी चाहिए। ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पूछेंगे इसकी एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस के बाद बोलेंगे कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक क्वालिफिकेशन है, तो इसका मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज है इस बंदे के पास। आप कई कंपनी में जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि एक अकाउंटेंट होता है, कई साल काम करके वो काफ़ी नॉलेजेबल बन चुका होता है, लेकिन एक सीए आता है, सीए के पास एक बैलेंस्ड नॉलेज होती है सब जगह की, तो उस एरिया में नॉलेज नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद उस एरिया की नॉलेज गेन कर लेता है। तो बेसिकली जो ऑडिट चार्टर है आपका, ऑडिट चार्टर टॉप लेवल डॉक्यूमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, और इंडिपेंडेंस करने के लिए दो तरीके से काम करना चाहिए, एक तरफ से मैनेजमेंट को काम करना चाहिए, एक तरफ से ऑडिटर को काम करना चाहिए। मैनेजमेंट को इंडिपेंडेंट और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स रखने के लिए एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, जो सारे ऑडिटर केवल ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करें, और ऑडिट कमेटी सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें, ऑडिटर सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट ना करे डायरेक्टली, ऑडिटर ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करे। वो ये बोले पोलाइटली, वो रिफ्यूज़ कर दे, वो बोले कि सर एक्सपर्ट्स हैं ऑडिट कमेटी में, आपने एक्सपर्ट्स बना सकते हैं, हम उनके अपनी प्रॉब्लम उन्हीं को बता सकते हैं, वो समझेंगे, सर आपको बताएंगे तो आपका खाली टाइम खराब होगा, पोलाइटली और समथिंग लाइक दैट यू कैन से। तो आप ऑडिट कमेटी को बताओगे और उसको मेल से हाईलाइट करोगे और आपका डॉक्यूमेंटेड चीज़ आ जाएगी। तो उसके बाद ऑडिट चार्टर होगा, ऑडिट कमेटी ऑडिट चार्टर के अनुसार काम करेगी, ऑडिट कमेटी पर भी प्रेशर नहीं डाला जा सकता है। ऑडिटर जब स्टार्टिंग में एंगेजमेंट लेटर बनाएगा उसमें सारी चीज़ें लिखेगा, जब वो कम्युनिकेट करेगा ऑडिटी से तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में करेगा, अकाउंटेबिलिटी के टर्म्स में करेगा, वो कहेगा जी ये सर्विस है, ये स्कोप है, ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए डिलीवरी की, मैं जो आपको वो दूंगा इतने पीरियड में ऑडिट करके दे दूंगा, आप मुझे मैं आने से पहले आपको लिस्ट सर्कुलेट कर दूंगा, आप उसमें टाइमिंग्स होंगी, आप मुझे बता दोगे कि इस टाइम में ये डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑडिट चार्टर हेल्प करता है ऑडिटर को कम इंगेजमेंट लेटर बनाने में, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स बनाने में, कम्युनिकेट करने में, वो बेसिस क्रिएट करता है, वो डिलीवरी कॉस्ट रिपोर्ट्स ये सारी चीज़ें हेल्प करता है। तो बेसिकली क्या है कि उसी के अनुसार आप फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस फ्रीज होते हैं कि क्या एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स क्या हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट टर्म्स ऑफ रेफरेंस एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट को सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं, अगर एक एग्रीमेंट सर्विस दे रहा है तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो गया।
टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होती हैं, उसके अंदर रेफरेंसेज होते हैं टर्म्स कि क्या क्या टर्म्स होंगी, वो फ्रीज होती हैं उसी के अनुसार। तो बेसिकली क्या है कि एक तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, जो ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है उसके पास स्किल्स और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, और एक इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क बनना चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क एक मिनिमम क्वालिटी देता है ऑडिट को। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी है तो ऑडिटर को भी पता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी के पास नॉलेज है, मैं कुछ भी लिखूंगा ऐसा नहीं होगा, यहां पर सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो इंडिपेंडेंट कमेटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक कंट्रोल फ्रेमवर्क होना चाहिए, और पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होनी चाहिए। पॉलिसी प्रोसीजर्स क्या होती हैं, डायरेक्टिव कंट्रोल्स होती हैं, मतलब हर चीज़ के लिए पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए, पहले प्लानिंग के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए, ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए। इवन अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, थर्ड पार्टी ओपिनियन ले ली जाती है, पीयर रिव्यू किया जाता है ताकि ऑडिटर की अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। तो बेसिकली जो आपका इंगेजमेंट लेटर है वो क्या करेगा, सबसे पहले हमने फिर से हम एक बार समराइज कर लेते हैं। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, ऑडिट कमेटी मैनेजमेंट को रिपोर्ट करे, ऑडिट कमेटी के पास एक ऑडिट चार्टर होना चाहिए, ऑडिटर और इस ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर के पास एक इंगेजमेंट लेटर लिखेगा, इस इंगेजमेंट लेटर में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, वो रेनफोर्स करेगा ताकि कल की डेट में वो अकाउंटेंट के पास जाए तो अकाउंटेंट उसे कोई चीज़ देने में आनाकानी ना करे। इसके अलावा एक आनाकानी ऑडिटर काफ़ी टाइम पर करता है, जैसे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, अच्छा इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आईटी से लेकर सारे लोग उसके रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे, वो उसको एक्सेस नहीं देंगे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होना चाहिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होना चाहिए, वैसे इथिक्स ऑडिटर के इथिक्स में है कि वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा पेपर होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज और नॉन एनडीए होना चाहिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, उसी के बाद आप वहाँ जा सकते हो, कह सकते हो मुझे पूरा डेटाबेस दे दो, एक्सेस दे दो। तो कहेगा डेटाबेस का क्यों एक्सेस दो, आप कहोगे कि भैया नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, आपके टॉप मैनेजमेंट ने साइन किया है, और उस नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में ये लिखा है कि मेरी अथॉरिटी है सारी डेटा को देखने की, लेकिन मैं इस डेटा को बाहर नहीं भेजूंगा, ये मैंने साइन किया है, ये मैंने एग्रीमेंट किया है आपकी कंपनी के साथ, और आपके टॉप मैनेजमेंट ने साइन किया है, इसलिए मेरे को फटाफट डेटा दे दो, डेटा देने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, नहीं तो ऑडिटर कहेगा, सॉरी अकाउंटेंट या जो भी रिलेवेंट लोग होंगे वो कहेंगे कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, या कुछ लोग डरे हुए होंगे, दो चीज़ होती है, कई लोग डरे भी होते हैं और कई लोग वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, कई बार क्या होता है नीचे वाला आदमी तो देना चाहता है लेकिन ऊपर वाला आदमी रोक रहा होता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर स्कोप को चेंज करना है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट के स्कोप को चेंज करना है, इन्हेंस करना है, तो उसके लिए इंगेजमेंट लेटर में एडिशंस होनी चाहिए। अगर कई बार क्या होता है कि ऑडिट करते करते आप उसका स्कोप इन्हेंस कर दिया जाता है, फ्रॉड निकलता है, वो भी लिखा होना चाहिए, इंगेजमेंट लेटर में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी और नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में होना चाहिए डिस्क्लोजर, ऑडिटर डिस्क्लोज करे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कहीं पर वो अकाउंटेंट के पास जाए बोले भाई साहब मेरा किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं किसी को जानता तक नहीं हूँ, ये मैंने डिस्क्लोज करके दे रखा है, मैंने ये डिस्क्लोज करके दे रखा है मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं उस डेटा का कोई गलत यूज़ नहीं करूँगा, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, और फिर आप डेटाबेस मान सकते हो। उसके बाद वो नहीं, वो कहेगा कि डेट इसको इसमें टाइम लगेगा तो आप उसको मेल डाल के टाइम ले लो, बोलो कितना टाइम लगेगा ये बताओ, और उस टाइम पर अगर आपको डेटा नहीं मिलता है तो आप उसे एक एडिशनल मेल डाल दो कि ये मेरे स्कोप का लिमिटेशन हो रहा है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपनी निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपको कहना पड़ेगा। तो उससे फिर चीज़ें आपकी ईजी होगी, आपकी अथॉरिटी असर्ट करने के ये तरीके हैं। तो ये कहने का मतलब यानी कि तड़ाजे के दो पल्लू हैं, पहले पल्लू में मैनेजमेंट है, दूसरे पल्लू में आपका ऑडिटर है। दोनों को ऑडिटर जब कंपनी के अंदर जाएगा तो उसे पहली चीज़ें ये देख लेनी चाहिए कि मैनेजमेंट कितना सीरियस है, क्योंकि मैनेजमेंट कई बार सीरियस नहीं होता, मैनेजमेंट में वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे होते हैं, मैनेजमेंट में नॉन नॉलेजेबल पर्सन बैठे होते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं होती है, दोनों ही मिलकर नॉन नॉलेजेबल और वेस्टेड इंटरेस्ट मिलकर चीज़ को सही नहीं करते हैं, वो कमिटी सही तरीके से बनाने ही नहीं चाहते, वो कहते हैं कमिटी क्या करेगी, कमिटी तो टाइम वेस्ट करेगी। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ये सही भी है, कमिटी जो है उतनी कॉस्ट नहीं दे पा रही है, लेकिन थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाए तो वहाँ पर कमिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई होगा तो इसको कहेगा इस कमिटी को ही हटाओ, ये कमिटी ब्यूरोक्रेटिक है, कमिटी को भी ब्यूरोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, और पर्टिकुलरली ऑडिट कमेटी तो होनी चाहिए,
ऑडिट कमेटी से क्या होगा कि वो तो पास्ट के चीज़ों को देख रही है, पास्ट की चीज़ों पर क्वेश्चन उठा रही है, वो ब्यूरोक्रेटिक नहीं है, उतनी ब्यूरोक्रेटिक नहीं हो सकती करंटली, बिजनेस को हैम्पर नहीं कर सकती। तो कई बार कई लोग कई चीज़ों में ऑडिट कमेटी पर क्वेश्चन उठाएंगे, उसके बजट पर क्वेश्चन उठाएंगे, वो कहेंगे ये बंदों की ज़रूरत क्या है, जब रिसेशन आएगा तो कहेंगे इस ऑडिट कमेटी को साफ़ करो, यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं कुछ काम नहीं करते हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रही है, और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में वो रहनी चाहिए। जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई बैंकरप्सी आ रही कुछ आ रही है तो फिर बात अलग है। लेकिन कई जगह पर आजकल स्टैट्यूट ने ऑडिट कमेटी की बात कर दी है, उसने बोला है कि ऑडिट कमेटी होनी ही चाहिए, पर्टिकुलर कंडीशंस में ऑडिट कमेटी होना स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हो गई है, तो वहाँ तो आपको ऑडिट कमेटी रखनी पड़ेगी। और ऑडिट कमेटी के साथ ऑडिट चार्टर होना चाहिए, ऑडिट कमेटी और ऑडिट चार्टर हो गए तो ऑडिट कमेटी को कैसे काम करना है उसे पता है। मैनेजमेंट से उसने कहा कि चार्टर बना दो हमारे लिए, हमें बता दो क्या काम करना है। अब मैनेजमेंट चार्टर में गलत चीज़ नहीं लिखेगा, उसके बाद आदमी अपने चार्टर के अनुसार काम करेगा। वो कहेगा कि सर कोई चीज़ बोलेगा, अगर कोई सजेशन देगा बोर्ड ऑफ आपके सीनियर मैनेजमेंट में, तो वो कह देगा सर ये तो चार्टर के विरोध में है, पोलाइटली कह देगा ऑडिट कमेटी वाला कि सर मैं क्या करूँ, ये चार्टर के विरोध में है, इसके विरोध में मैं कैसे जा सकता हूँ। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएंगे वो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उसके पास चार्टर है, ऑडिट कमेटी, अब आप IAS ऑडिटर के रूप में जा रहे हो, एंगेजमेंट लेटर लेकर जा रहे हो, और एंगेजमेंट लेटर में सारी चीज़ें हैं, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है, NDA है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, आप कह रहे हो मैं जी डिस्क्लोज ही नहीं करूँगा, आपने उस प्रॉमिस कर दिया है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, आप बता रहे हो मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आप देख लो कहाँ मैं डिस्क्लोज करूँगा, आप कैसे कह रहे हो, आप क्यों नहीं दे रहे हो मेरे को डाटा, क्यों टाइम लगा रहे हो, और टाइम लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अवेलेबिलिटी का इशू है। अगर डेटा में देर आ रहा है, देर लग रही है, तो इसका मतलब अवेलेबिलिटी का इशू है, यानी आपका ऑर्गेनाइजेशन उतना रोबस्ट नहीं है, अच्छा नहीं है। तो अच्छे ऑडिटर के लिए आपको ये जानना जरूरी है, अच्छे ऑडिटर के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना जरूरी है, अच्छे ऑडिटर के लिए आपको ये जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सीनियर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कह सको कि सीनियर मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट या तो वेस्टेड इंटरेस्ट है या कॉम्पिटेंट नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट पुअरली रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपको पता होना चाहिए। आपका एंगेजमेंट लेटर स्ट्रांग होना चाहिए, और एंगेजमेंट लेटर हाईएस्ट लेवल बंदे से साइन होना चाहिए, कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या CEO द्वारा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा वो साइन होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, ऑडिट चार्टर होना चाहिए। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो आपको यार यहाँ तो ऑडिट कमेटी नहीं है, ऑडिट चार्टर नहीं है, कम से कम एक ऑडिट कमेटी और चार्टर तो बनाओ। उसके बाद आपके एंगेजमेंट लेटर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में होना चाहिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़, आपको इंडिपेंडेंस बरकरार करने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप जाओ तो आप ये बोलते हो कि मैं CA हूँ, तो सबको पता चलता है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज इसके पास है। अगर आप बोलते हो मैं CA हूँ और साथ में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रखा है, का कोर्स कर रखा है, तो पता है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज आपके पास है, तो आपके पास एक ओवरऑल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। और ये चीज़ ऑडिट चार्टर में होनी चाहिए कि हम हायर करेंगे जिस ऑडिटर को, वो उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम, और जो टीम आज काम करेगी उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो स्किल्स और कॉम्पिटेंस ऑडिटर के पास होनी चाहिए। अब ये स्किल्स और कॉम्पिटेंस कौन से हैं? सबसे पहले बिजनेस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हमें ये बताते हैं कि लॉज की और बिजनेस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उसके पास मिनिमम एकेडमिक प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद रिस्क और कंट्रोल्स के बारे में उसे पता होना चाहिए। IAS हुआ, इंफॉर्मेशन सिस्टम आया तो रिस्क बढ़ा, और कंट्रोल्स भी बढ़े, और कंट्रोल्स डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल्स आए। पहले फिजिकल कंट्रोल्स थे, फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, अब लॉजिकल कंट्रोल्स आ गए, अब लॉजिकल रिस्क बढ़ गए। पहले आदमी फिजिकली रिस्क क्रिएट करता था, अब लॉजिकल रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो आप IT के डिपार्टमेंट में जाओगे और वहाँ पर टेक्नोलॉजी कंट्रोल फ्रेमवर्क देखोगे, उसका कंट्रोल फ्रेमवर्क क्या है IT डिपार्टमेंट में। IT डिपार्टमेंट में एक टेक्नोलॉजिकल लॉजिकल फ्रेमवर्क है कि नहीं है? और जगह फिजिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए, लेकिन वहाँ लॉजिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए IT डिपार्टमेंट में। तो IT डिपार्टमेंट में जाकर आप पूछोगे लॉजिकल फ्रेमवर्क है कि नहीं, IT की स्ट्रेटेजी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स के बारे में बात करोगे। ये सारी चीज़ें क्या डायरेक्टिव कंट्रोल्स होती हैं, हमने पहले ही पढ़ा है कि स्ट्रेटेजी पॉलिसी और प्रोसीजर्स डायरेक्टिव कंट्रोल होते हैं। उसके बाद IT इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हर कंपनी का IT इन्वायरमेंट अलग होता है, कहीं पर पीयर टू पीयर
हो रहा होता है लोकल एरिया नेटवर्क में, कहीं सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, कहीं पर क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है, कहीं पर टू टायर होता है, कहीं पर थ्री टायर होता है, कहीं पर एन टायर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। और कई बार इनका मिक्स होता है, बहुत बड़ी कंपनी होती है तो उसमें इसका मिक्स होता है, तो आपको आईटी एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स, आर्किटेक्चर्स, डेटाबेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। डेटा इज किंग, आईटी में जा रहे होते डेटा इज किंग, डेटा किंग है तो सॉफ्टवेयर उसको मैनिपुलेट कर रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हार्डवेयर में वो रखा जा रहा है उसको पता होना चाहिए, हार्डवेयर एक इन्वायरमेंट में रखा जा रहा है, कंप्यूटिंग फैसिलिटी में रखा जा रहा है जहाँ पर एसी वीसी फायर के लिए एक्सटिंग्विशर ये सारी चीज़ें हैं, तो वो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर कहीं सिस्टम डेवलप हो रहा है तो SDLC के बारे में, कैसे सिस्टम डिज़ाइन होगा, डेवलप होगा, इंप्लीमेंट होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कंपनी में BCP है कि नहीं है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है कि नहीं है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और इन सबको कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास प्रेजेंटेशन टाइप स्किल्स होनी चाहिए और उसके अलावा लॉज और स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे इंडिया में IT एक्ट है 2000 या 2008 में अमेंड हुआ, तो उन लॉज, साइबर क्राइम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में आप पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आईटी ऑडिट असाइनमेंट में क्या होगा, पहले स्कोप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, स्किल और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, उसके बाद क्या है आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क के बारे में। असल में जैसे ISO के स्टैंडर्ड्स हैं या SAS 70 है या SysTrust है या दूसरे जो भी हैं, COBIT, ये स्टैंडर्ड्स अगर आपको पता हैं तो आपको पता होगा कि एक बड़ी कंपनी में क्या मिनिमम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप फिर देखोगे किस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसके अनुसार उस कंपनी में क्या मिनिमम ऑडिट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और फिर कोई क्वेश्चन करेगा आपसे तो आप बोलना कि ये स्टैंडर्ड्स ये बोलते हैं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये होनी बहुत ज़रूरी है, और उसी के बेसिस पर एविडेंस कलेक्ट करोगे और ओपिनियन दोगे। तो यानी कि इसको अगर समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑडिट को इफेक्टिव बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को भी काम करना पड़ेगा, ऑडिटर को भी काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्पेशलाइज्ड टीम कमेटी होनी चाहिए जिसे ऑडिट कमेटी कहते हैं, जिसे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, जो ऑडिटर पर क्वेश्चन कर सकती है क्या क्वालिटी ऑफ ऑडिट है रहा है तुम्हारा। उसके पास ऑडिट चार्टर होना चाहिए जिसके अनुसार वो काम करे। ऑडिट चार्टर से उधर ऑडिट चार्टर होने से उसका काम फ्रीज हो जाता है, एक इंडिपेंडेंस आ जाती है, वो अपने आप काम कर सकता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी, वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती है ऑडिट चार्टर से, वो एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंटली रिस्पॉन्सिबल बना लिए जाते हैं। और ऑडिट चार्टर गोल कॉन्ग्रेंस क्रिएट करता है, कंपनी के गोल और ऑडिट कमेटी के गोल मीट आउट कर सकें और उसी ऑडिट चार्टर के अनुसार काम करना है। अगर मैनेजमेंट को कुछ चीज़ चेंज करनी है तो ऑडिट चार्टर में चेंज कर दे। अब एक आपके पास इंडिपेंडेंट फोरम क्रिएट हो गया जिसे मैनेजमेंट भी इतनी आसानी से मैनिपुलेट नहीं करेगा। आप एज एन आईटी ऑडिटर उसको रिपोर्ट कर रहे हो तो आपकी इंडिपेंडेंस बरकरार है और उस ऑडिट कमेटी पर प्रेशर है कि आपके ऑडिट की क्वालिटी को मेंटेन करवा सके। इतना ही नहीं, जो आपका आप जाओगे तो आप इंगेजमेंट लेटर बनाओगे उसमें ये सारी चीज़ें फ्रीज करोगे, उसमें अपनी अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी के बारे में बात करोगे, ताकि अगर कोई ये वॉयलेट कर रहा है तो आप वहाँ पर फुट डाउन कर सकते हो। आपकी एक मिनिमम स्किल्स और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, आपके पास एक मिनिमम नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंट्रोल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कंट्रोल्स के बारे में क्यों होनी चाहिए, क्योंकि IAS ऑडिट कंट्रोल का ऑडिट है बेसिकली। आइडियल कंडीशन में IAS ऑडिट क्या है, कंट्रोल्स का ऑडिट है, कंप्लायंस ऑडिट है, वो बात अलग है। सब्सटेंटिव करना पड़ता है, लिमिटेड सब्सटेंटिव चेकिंग करनी पड़ती है, दो टाइप की होती है, एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव चेकिंग और लिमिटेड सब्सटेंटिव चेकिंग। अगर कंट्रोल स्ट्रांग है तो आप लिमिटेड सब्सटेंटिव चेकिंग कर लो, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो केवल कंट्रोल्स चेक करो, सब्सटेंटिव ऑडिट चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आई है तो आपके ऑडिटर के अंदर भी उतने तगड़े स्किल्स नहीं है, तो वो स्किल्स और कॉम्पिटेंस उसकी आइडियल नहीं है जो होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें नहीं जानता, वो टेक्नोलॉजिकली हार्डन्ड हो सकता है, एक लेवल तक हो सकता है। तो कई बार क्या है कि उससे भी बड़ा हैकर बैठा होगा चीज़ों को हैक करने के लिए,
लॉजिकली उसे सिस्टम में घुसेगा तो कई चीज़ें वो नहीं कर पाएगा, तो वो उसको कंपेंसेट करने के लिए एक लिमिटेड सब्सटेंटिव ऑडिटिंग करता है, चेकिंग करता है। अगर उसे कंट्रोल्स मजबूत लगे तो कंट्रोल्स के बारे में उसे पता होना चाहिए, रिस्क के बारे में उसे पता होना चाहिए, डायरेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं वो, उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा लॉज और स्टैंडर्ड्स के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए, और तभी इस ऑडिट स्ट्रांग होगा, आईएएस ऑडिट स्ट्रांग होगा। तो बेसिकली हम अगर कहीं कोई टेक्स्ट बुक में पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं बताई जाती हैं। उसमें ये नहीं बताया जाता कि ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, इसे ये नहीं बताया जाता कि ऑर्गेनाइजेशन में आप बंदे के पास जाओगे तो वो आपको डेटा देने में देरी करेगा। जो नॉर्मल अकाउंटेंट होता है वो देरी करता है क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, वो डर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसने कुछ बेईमानी की होती है। दोनों में से एक चीज़ है, या तो वो बेईमान होगा या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, तो वो आपको डेटा देने में देरी करेगा, जानबूझ कर करेगा, वो हार्ड कॉपी देगा ज़्यादातर। सॉफ्ट कॉपी क्या है, लॉजिकल ऑडिट करने लगोगे, स्पीडीली ऑडिट करने लगोगे आप। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ तो ERP होती है, तो आपको एक कंसोल मिल जाता है, तो वहाँ पर आप फटाफट ऑडिट करने लग जाते हो। तो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप उससे कह सकते हो कि भाई ऐसा है, ये मेरा एंगेजमेंट लेटर है, इस एंगेजमेंट लेटर में मेरी अथॉरिटी वायलेट कर रहे हो तुम, टाइम से नहीं दे रहे हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी एक टाइमिंग है, मेरी एक कॉस्ट है, मेरा एक बजट है, मैं उस बजट में काम नहीं कर पाऊंगा। और उसके लिए आप मेल डाल दो उससे, सबसे पहले एक पोलाइट मेल। जब वो कहेगा क्यों डाली, तो कहना सर हमको तो अपने आप को बचाना है ना, कल की डेट में हमारे पास तो एविडेंस होना चाहिए ना कि हमने आपको हाईलाइट किया, आपने हमें नहीं दिया, इसकी वजह से हमारा काम नहीं हो पाया, तो फिर फटाफट देने लगेगा। लॉजिकल ऑडिट करने में ऑर्गेनाइजेशन भी कई बार आपको हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। पर्टिकुलरली क्या होता है, बहुत सारी जगह होती हैं, बहुत कई जगह तो क्या होता है, जैसे आप होटल में जाओगे, होटल में क्या परचेज डिपार्टमेंट कई जगह पर बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छे कंट्रोल्स होते हैं, लेकिन कई जगह पर फ्रॉड हो रहा होता है। अगर आप कंट्रोल्स मजबूत करने लगोगे तो वहाँ पर लोग परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे, नौकरी छोड़कर जाना स्टार्ट करेंगे परचेज डिपार्टमेंट में, क्योंकि वहाँ सब चल रहा होता है, ऊपर नीचे चल रहा होता है। तो वहाँ पर आप डेटा मांगोगे, डेटा मिलेगा ही नहीं, वहाँ पर जितना मैनुअल करना चाहेंगे वो मैनुअल करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटेड करेंगे तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और फिर उसके बाद वो नौकरी छोड़कर भागने की बात करेंगे। और वो नौकरी छोड़कर इसलिए भागने की बात करेंगे, या तो धमकी दे रहे होंगे, ये बेसिकली वेस्टेड इंटरेस्ट, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में धमकी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसमें क्या होता है, आदमी जाए न जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिपार्टमेंट है, दूसरा आदमी उसको ओवरटेक कर लेता है, जा रहा है तो उसे बोल दिया जाता है ओके यू गो पोलाइटली, अगर आपका फ्री विल नहीं है तो आप जाओ, अगर आपका फ्री विल है तो रुको। हम कोई बंदिश क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है। आपको बहुत सीनियर मैनेजर्स को अगर बात करते हुए देखेंगे, यार लोग तो कोई टिकते ही नहीं आजकल, इसलिए काम नहीं हो पाता, वो सीनियर मैनेजर्स बेसिकली वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो अपने नीचे का डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। एक बंदा चले जाए तो बैकअप होना चाहिए, जॉब रोटेशन होना चाहिए, और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये चीज़ें जो हैं, हमारा स्टडी है इसमें खुलकर नहीं बताई जाती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा छोड़कर चले जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन को फ़र्क पड़ जा रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट बैठे हैं, या वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मैनेजमेंट उतना कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है। आपके नीचे बंदे छोड़कर जा रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरा आदमी टेक ओवर करने के लिए तैयार होना चाहिए। और जो बंदा जाने वाला है, जो धमकी दे रहा है, पैसा बढ़ाने के लिए बोल रहा है और समथिंग लाइक दैट, तो कई ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपकी स्टैंडर्ड HR पॉलिसी होगी तो आप कहोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बंदा चले जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं। HR वाला आपसे बोलेगा कि भाई आप अगर ऐसा है तो एक बंदा एक्स्ट्रा रखो और जॉब रोटेशन करो, यानी आप कैसे मैनेजर हो, आपके यहाँ बंदा चले जाता है आपके पास कंटिजेंसी नहीं, आप जाता है एक बंदे पर डिपेंडेंट हो, आपके वहाँ जॉब रोटेशन नाम की चीज़ नहीं है, आपकी कंपनी कल बंद हो जाएगी अगर कोई बंदा चले जाएगा, तो इसका मतलब आप इनकॉम्पिटेंट हो, आपकी कॉम्पिटेंस उतनी नहीं है।
तो इसी तरीके से अगर इंस्टीट्यूशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ऑडिट है, ऑडिट कमेटी है, वो ये सारी चीज़ में हेल्प करता है, क्योंकि ऑडिट कमेटी का इंडिपेंडेंट होना, पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ ऑडिट चार्टर होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से ऑडिटर के स्किल कॉम्पिटेंस, उसकी एक नॉलेज होना, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना उसको बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा उसके एंगेजमेंट लेटर में ये सारी चीज़ें लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो कंट्रोल्स को चेक कर सके, और वो कंट्रोल्स चेक करेगा तो फिर वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में फैलेंगी, और ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है, ऑर्गेनाइजेशन में ये मान के चलिए कि ऑर्गेनाइजेशन में जाकर सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को देखोगे, और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट आपको देखते ही समझ में आ जाएगी। अगर वहाँ ऑडिट कमेटी नहीं है, वहाँ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट दोनों अलग चीज़ें हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। रिस्क असेसमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट करने के लिए अथॉरिटी चाहिए होती है, वो अथॉरिटी में आता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में आगे जाकर हम पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम है, टॉप मैनेजमेंट का काम है। अगर ये नहीं हो रही है तो इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंट है, वहाँ या तो वेस्टेड इंटरेस्ट पे बैठे हैं, या उनके पास स्किल्स कम है, या वो डरे हुए लोग हैं। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के नीचे के कंट्रोल्स वीक होंगे, लैक्स होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हैं और स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर सारी चीज़ें चल रही होंगी, क्योंकि ऑडिटर है, ऑडिटर का भी पीयर रिव्यू हो रहा होगा, ऑडिटर को पता है कि ऑडिट कमेटी मेरे ऑडिट पर क्वेश्चन उठा सकती है, पीयर रिव्यू जिससे हो रहा है वो मेरे क्वेश्चन उठा सकता है, तो क्वालिटी ऑडिट देगा, वो भी कहेगा जी मेरे को बताओ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अथॉरिटी, क्या अकाउंटेबिलिटी, उसको प्रिसाइज करो, हर चीज़ स्टैंडर्डाइज करो, कोई भी चीज़ होगी वो नीचे के एम्प्लॉइज़ को धड़ल्ले से क्वेश्चन करेगा, बोलेगा अगर मैं अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेरे को ऑडिट कमेटी क्वेश्चन उठा देगी। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और कई बार टेक्स्ट बुक में समझ में नहीं आता है क्यों है, उसमें दिया होगा ऑडिट कमेटी है तो आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली जब तक जाओगे नहीं तब तक देखोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा उसका फ़ायदा क्या है, ऑडिट कमेटी का फ़ायदा क्या है, ऑडिट चार्टर का क्या फ़ायदा है। कई बार क्या है, ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं, क्यों होती हैं, वहाँ पर आप सीख रहे होते हो, वहाँ पर देखते हो ऑडिट कमेटी आने से पहले क्या प्रॉब्लम थी, ऑडिट कमेटी आते ही चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज होने लगती हैं, आपको भी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको भी क्वेश्चन करने लगते हैं, फिर ऑडिट चार्टर बन जाता है, वो और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और फिर वो और वैल्यू दिखाने की सोचने लगते हैं, फिर आपका इंगेजमेंट लेटर वो कहते हैं मजबूत करो, आपका इंगेजमेंट लेटर मजबूत हो जाता है, फिर वो कहते हैं आप काम करो ठीक तरीके से, फिर आपको काम करना पड़ता है, फिर आप अकाउंटेंट, जो पुराना अकाउंटेंट है या तो वो भाग जाता है, या फिर वो सही तरीके से काम करने लगता है, दूसरा आदमी आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेड इंटरेस्ट सीधे होने लगते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि ऑडिट कमेटी फेल हो जाए, पर ऑडिट कमेटी पावरफुल है, इंडिपेंडेंट है, तो वो फेल नहीं होती, वो क्वेश्चंस उठा रही होती, वो कहती है ऑडिटर ने क्वालिटी ऑडिट नहीं किया, अगली बार ऑडिटर फिर क्वालिटी ऑडिट करता है, और फिर प्रोसीड, फिर एक चेन सी चलती है, ऑर्गेनाइजेशन सही डायरेक्शन में मूव करने लगता है, और वो चेक्स एंड बैलेंसेज आने लगते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन आने लगता है, कोई बंदा छोड़ के चले जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरा आदमी उसके लिए तैयार रहता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स बन जाता है, हर एक की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिक हो जाती है, हर चीज़ का रिव्यू हो रहा होता है, हर चीज़ पर क्वेश्चनिंग हो रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिकली मूव कर रहा होता है।